हे या वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल वंस अगेन. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक नया व्लॉग. सो वी आर गोइंग समवेयर, सो आई थॉट टू शेयर दिस व्लॉग विथ यू सो दैट यू गाइज ऑल्सो नो अबाउट दैट प्लेस. सो वी आर गोइंग ब्रंच हाउस विच इज इन एमपी नगर. सो वहाँ पर जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज बाहुबली थाली. सो मेरे टेस्ट कैसा होता है, उसका प्राइस क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको वहाँ जाने के बाद बताऊंगी. जानने के लिए कि कैसी जगह है, क्या है, बने रहिए मेरे. तो जानने के लिए उस प्लेस के बारे में तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में. लेट्स गो विद अस. जानने के लिए कि थाली में कैसा है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में फर्क पड़ता है कि नहीं. जय गणेश देव माता जा की पार्वती पिता महादेव. जय गणेश देव माता जा की पार्वती पिता महादेव. शन्ना मेरी शन्ना हो You all need like 5 to 6 people to complete this thali for sure.
बट अगर आप सिंगल पर्सन हैं एंड अगर आप ये थाली फिनिश करते हैं तो ये थाली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, सो डू कम गाइस। तो रूरवी जो थी वो रात में सो चुकी थी तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कल आपसे बात नहीं की थी। तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरा कल का एक्सपीरियंस कैसा था। सो फर्स्ट थिंग जो आप मुझसे पूछेंगे कि वो प्लेस जो है वो कहाँ पर है, तो इट इज़ इन एमपी नगर। तो अगर आप भोपाल के हैं तो वो एमपी नगर में है, एंड अगर आप राजहंस जानते हैं ISBT वाला तो आप वहाँ पर बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। एंड द नेम वॉज द ब्रंच हाउस, तो आप अगर ये सर्च करेंगे तो आपको इजीली गूगल पे भी मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि उस थाली की कॉस्ट क्या थी, तो इट वॉज 999, मतलब 1000 rupees की थाली थी। एंड आप कितने भी लोगों को ले जाके उसमें शेयरिंग कर सकते हैं, 4 या 5 पीपल आर इनफ, मतलब वो कंप्लीट कर लेंगे। में जो थी वो सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट थी, 2 तरह की दाल थी, 2 तरह के राइस थे, 3-4 तरह की रोटी थी, लाइक मिस्सी रोटी थी, लच्छा पराठा था, तंदूरी रोटी थी, देर वॉज वन अदर पराठा, पूड़ी, तवा रोटी, 5-6 टाइप्स की तो ब्रेड थी। उसके बाद सब्जी जो थी उनकी शायद वैरायटी ज़्यादा थी, 5-6 सब्जी थी। डेजर्ट में हलवा था, खीर था, गुलाब जामुन था, रायता, दही, सैलेड 2 तरीके के थे। इस तरह से बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में जो वो थाली थी, उन चारों ने भी मिलकर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आप समझ सकते हैं। बट या आप चाहें तो 4 से 5 लोग जो है उसे इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर एक सिंगल पर्सन उस थाली को कंप्लीट करता है तो वो थाली बढ़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उनकी जो थाली थी सबसे नीचे एक बहुत बड़ा पराठा था, इतना ह्यूज है कि अगर आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगे आपकी जो थाली है वो ऑलमोस्ट 80-90% कंप्लीट हो जाएगी। हमारा मोस्ट प्रोबेबली वही पराठा जो था वो बचा था उसके कारण, अदरवाइज हमने 70% थाली जो थी वो फिनिश कर ली थी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना होगा दैट इज क्वालिटी, तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, एवरीथिंग वॉज सो टेस्टी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उस थाली में उन्होंने बच्चों का भी ध्यान रखा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है, लाइक आलू की सब्जी थी, पनीर की सब्जी थी, तो बहुत सारी सब्जी थी जो बहुत ज़्यादा फीकी थी, तो बच्चों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट था। तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तब भी वो थाली जो है वो अप्रोप्रिएट है, सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम्बियंस वॉज ऑल्सो ग्रेट, सो अगर आप चाहें तो आप वो थाली डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, मेरे साइड से बिग थम्स अप। तो अगर आप भोपाली हैं तो एक बार ज़रूर वो एक्सपीरियंस जरूर ले, वो वन टाइम एक्सपीरियंस ही है। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग वॉज लाइक जब भी वो थाली आती है तो वो लोग सॉन्ग बजाते हैं, दैट बाहुबली वाला सॉन्ग, सो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको पता नहीं है, जैसे मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, अगर आपको वो चीज़ पता नहीं है एंड वो सडनली हो जाए, तो वो कल हमारा बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो अगर आप भोपाली हैं तो एक बार वो एक्सपीरियंस जरूर ले। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आने के साथ साथ अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि फ्यूचर में इस तरह के और भी वीडियोज आपसे कभी मिस ना हो, हिट दैट बेल बटन ताकि उसकी नोटिफिकेशन भी आपसे कभी मिस ना हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।